नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर के देश और दुनिया में शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है, साथ में चिंता भी जाहिर की जा रही है। आखिरकार इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कैसे, किसकी लापरवाही है, टेक्निकल फॉल्ट है, क्या है, अभी कुछ भी तस्वीर साफ नहीं हो रही है। कि एक बात तय है कि दो ट्रेनों में से एक का पहले डिरेलमेंट हुआ और संभवतः बेंगलुरु से जो हावड़ा आ रही थी ट्रेन, उसका डिरेलमेंट हुआ है। उसके बाद दूसरी ट्रेन का हुआ है, क्योंकि उसके डिब्बे दूसरी पटरी पे आ गए थे, बीच में मालगाड़ी खड़ी थी। इसकी वजह से हादसे में भयावहता जो है वो बढ़ गई, लोगों की जान ज़्यादा गई। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 280 लोगों की मौत हुई है और लगभग 1000 लोग घायल हैं। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक पहुंचे, सबने शोक संवेदना जताई। तत्काल राहत बचाव कार्य शुरू हुआ, आर्थिक सहायता का ऐलान हुआ, लेकिन ये बात साफ नहीं हो रही है कि कौन जिम्मेदार है। जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा। और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ से कुछ उन्होंने गवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है, हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहां के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहां के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था बनने करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में, आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले, मुझे पूरा विश्वास है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ कर दिया है कि जांच रिपोर्ट जैसे ही आएगी, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, जिसकी भी लापरवाही पकड़ी जाएगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा।
रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इनका। थैंक यू।